वारिस पंजाब दे के चीफ और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को छठे दिन भी पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों की माने तो वो पंजाब से भाग गया है। पुलिस को उसके उत्तराखंड में होने का शक है। पंजाब से भागकर वो हरियाणा गया था। वो कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद में 19 और 20 मार्च को रुका। यहाँ वो जिस महिला के घर रुका था, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस पता करने में जुटी है, क्या महिला को अमृतपाल जानता था या महिला के घर वो जबरदस्ती घुसा। पंजाब के पड़ोसी राज्यों के अलावा उत्तराखंड में भी अमृतपाल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुघरों की भी जांच की जा रही है। अमृतपाल के साथ ही तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा को लुधियाना में गिरफ्तार किया गया। वो अमृतपाल का गनर है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों में से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई। इन खातों का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। अमृतसर, तरन तारण, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और फगवाड़ा के खातों का संबंध अमृतपाल से मिला है। पंजाब के पाकिस्तान से सटे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर और तरन तारण जिले में इंटरनेट पर पाबंदी शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दी गई। अजनाला, मोगा, संगरूर व मोहाली से इंटरनेट की पाबंदी हटा दी गई है। अमृतपाल को के भाई हरप्रीत सिंह समेत उसके 11 साथियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बाबा बकाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। बाबा बकाला कोर्ट से अमृतपाल के इन 11 साथियों को अजनाला पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। इसके बाद पुलिस ने इन सभी को अजनाला कोर्ट पेश किया।